नसीराबाद डेरा मुराजमाली रेड यूनियन के सदर मोहम्मद हसन अबरू के काल पर सदरुद्दीन थरपाली और नायब सदर अली हसन रंद की जेर सदारत मीटिंग का इनकार किया गया, जिसमें डेरा मुराजमाली के रेडीबान हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रेड यूनियन के सदर अली हसन रंद, सदरुद्दीन थरपाली, शरबत भुट्टो, पन्नल खान डोमकी, जुल्फकार बरड़ू, शाहनवाज गुजर और रसूलबख्श सुरंगी ने खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन के बाद असो गडन अस इन में मुतमैन सब गडू असो हक असते छद वे अस अगर न तो पंज साल अस लिखी अस कारोबार अडे अंदर कर हम गरीब रेड़ी वाले हैं, इल्तजा करते हैं हम पर मेहरबानी की जाए। ये जो इलेक्शन के बाद ये अड्डे को हटाने की कोशिश करें, हम गरीब कहाँ जाए। अगर कोई भी कैंडिडेट जाए जो मेहरबानी करे हम पर मेहरबानी करे। और ये अड्डे के पीछे लोग पड़े हुए हैं, ये जितने भी बड़े हैं जितने इलेक्शन में खड़े हुए हैं इनको अपील किया जाता है बराए मेहरबानी हम पर कर्म नजर करे। पर आयो सब कठे थी करे ते बिठा जको आसा के पांजा हकूक मिल्या वणन असा गड थी करे जको भी 2001 से लेकर आज तक रेडीबान कई मसाइल के शिकार हैं। गरीब रेडीबान तपती धूप में रोड के किनारे सब्जी या फ्रूट के ठेले लगाकर बच्चों का पेट पालते हैं। हमारे सियासी लीडर खुद बड़ी बड़ी गाड़ियां और एसी के मजे लेते हैं और हम मजदूरों का इनको कोई एहसास नहीं, और जो भी इकदार में आया है किसी ने भी हमारे मसाइल का हल नहीं किया। इन्होंने मजीद कहा है कि कुछ अरसे से हम रेडीबानों को शहर से निकालने और हमारे बच्चों के मुंह से निवाला छीनने के प्लान बनाए जा रहे हैं, जिसको हम हर सूरत में कबूल नहीं करेंगे। अगर हम रेडीबानों को शहर से निकालकर बैर शिफ्ट करने का कहा गया तो हम डेरा मुराजमाली के तमाम रेडीबान अपने यूनियन के अहदेदारों समेत अपने बच्चों के साथ भूख हड़ताल कैंप लगाकर बैठेंगे, जो कि मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा।